हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस फॉर क्लास नाइन्थ की जो शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विंड पोइम जो नंबर टू पे है बाय सुब्रमण्य भारती, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डज द पोइट वांट द विंड टू कम स्लोली। पोइट जो है विंड से क्यों रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ा सा स्लोली आए। द पोइट वॉन्ट्स द विंड टू कम स्लोली सो एज नॉट टू कॉज ट्रबल टू द वीक, ताकि जो कमज़ोर लोगों को प्रॉब्लम ना करे वो। What will happen if the wind blows strongly? अब क्या होगा अगर wind जो है strongly blow करेगी तो? Blow करना क्या होता है? बहना। The wind panes will break and things like papers and books will be overthrown. तो window जो pane है यानी glass हैं window के, वो टूट जाएंगे और जो paper या books हैं वो भी गिर जाएंगे नीचे। क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट मेक्स अ पोइट फील अनहैप्पी। पोइट किस बात को लेकर अनहैप्पी है? द पोइट इज़ अनहैप्पी बिकॉज द विंड हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ नॉइसेंस एंड इट हैज़ थ्रोन डाउन सर्टन थिंग्स एंड टोन द पेजेस ऑफ द पोइट्स बुक्स एंड बिसाइड्स इट हैज़ ब्रॉट रेन दैट हैड एडिड टू द पोइट्स माइजरी, और जिसकी वजह से पोइट की जो माइजरी या पोइट की जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सो वट डज़ द विंड गोड डू। विंड गोड क्या करता है? द विंड गोड क्रशिज ऑल द थिंग्स दैट आर वीक इन नेचर, जो कमज़ोर होती हैं नेचर वाइज उनको जो है क्रश कर देते हैं विंड गोड। वाई वॉन्ट ही एक्ट अकॉर्डिंग टू आर विश। सो द विंड इज़ ऑल पावरफुल एंड एक्ट्स एज पर इट्स ओन विल, इट डज नॉट सीक एनी प्रायर परमिशन और कंसेंट बिफोर इट ब्लोज टू डिस्ट्रॉय द वीक। यानी जो विंड गॉड है इतनी पावरफुल है उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो वीक और कमज़ोर हैं उनको तो ये वैसे ही गिरा देती है ये। सो व्हेन विल द विंड बी फ्रेंड्स विद अस। विंड हमारी मित्र कब बन जाएगी? द विंड विल बी फ्रेंड विद अस इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग एंड बिल्ड आवर हाउसेस विंडोज स्ट्रॉन्ग टू, और अगर हम अपने घर के दरवाजे या विंडोज स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो विंड हमारी फ्रेंड ही बन जाएगी। What are the things the wind does in the first stanza? Poet जो है क्या बताना चाहता है कि wind जो है वो first stanza में क्या क्या चीज़ें करती है? The wind will play a destructive role in the first stanza. Its gusty movement breaks the window panes. Gusty movements क्या होते हैं? Powerful जो movement है वो window pane के तोड़ देगी, window pane को तोड़ देगी, glasses को और जो papers हैं उनको scatter कर देगी। It also throws the books off the shelves and tears them apart, और उनके बिल्कुल टीयर कर देगी। सो व्हाट डज द पोइट से द विंड गोड विनोज। पोइट क्या कहना चाहता है कि विंड गोड किस चीज़ को क्रश करता है, विनो करता है। विनोइंग इज़ ए कॉमन प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग शैफ फ्रॉम द ग्रेन। अगर हम देखें तो विनोइंग का मतलब होता है अनाज को जो वेस्ट मटेरियल से अलग करना होता है। सो इन द सेम वे व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज द वीकलिंग्स आर रिमूव्ड बट द स्ट्रॉन्ग वंस रिमेन स्टेडफास्ट। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो हमेशा अपनी जगह बनाए रखते हैं, लेकिन कमज़ोर लोग उखड़ जाते हैं। What does the wind do when it blows softly? So the wind is quite soothing when it blows softly. It does no trouble at all, nor does it cause any harm to anybody. यानी जब ये softly या gently बहती है तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। अब हमें explain करना है the wind god winnows and crushes them all. तो winnowing जो है already मैं एक process बता चुका हूँ जो chaff को grain से अलग करती है, और ऐसी जो है when a strong wind blows the weaklings are removed but the strong ones remain steadfast. So the poet says we praise him every day. Whom do we praise and why? अगर literally हम बात करें, the poet says that we praise wind every day because it is quite powerful, but metaphorically the poet refers to the adversities of life. यानी adversities क्या होती हैं? Difficulties of life. We praise them because they make us stronger than ever. क्योंकि वो हमें strong और पावरफुल बना देती हैं, जैसा कि हम पहले कभी भी नहीं थे। सो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, एंड आई फील दे आर रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।